कैसरगंज तहसील में घाघरा नदी की हो रही कटान से परेशान ग्रामीण गुरुवार को 1100 रेती गांव में धरने पर बैठ गए। ग्रामीण प्रशासन से कटान रोकने के लिए आवश्यक उपाय किए जाने की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि शासन प्रशासन को कटान की समस्या से कई बार अवगत कराया गया, लेकिन अभी तक कटान रोकने के लिए कोई सार्थक प्रयास नहीं किया गया। लगातार कटान से 1100 रेती बलराजपुरवा, भिरभूपुरवा, 300 रेती मलहनपुरवा, रोहितपुरवा, चंदेरपुरवा आदि गांव घाघरा नदी में कटान के मुहाने पर हैं। अनशन पर बैठे रामदुलारे अशोक कुमार, यमुना शरण निषाद, अंगद कुमार निषाद, चंद्रमा माधव, सुरेश कुमार, अमेरिका प्रसाद, राजेश कुमार, कृष्णकांत, दीनानाथ, पप्पू पुनवासी आदि ग्रामीणों ने बताया कि जब तक कटान के मुहाने पर बसे गाँव को बचाने के लिए कोई उचित कदम नहीं उठाएगा, तब तक धरना जारी रहेगा। दिनांक 15 सितंबर 2022, आज से हम लोग आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं ग्राम 1100 रेती मझारा गाँव में। विगत कई वर्षों से हम लोग अब शासन को ये सूचना पहुंचा रहे हैं कि हम लोगों की जमीनें कटती हुई आ रही हैं, लेकिन आज का ऐसा समय आ गया है कि हम लोगों के पास में जुताई के लिए या फिर खेती करने के लिए जमीन तो बची नहीं है। अब मात्र हमारे पास में हमारे धरोहर के रूप में सिर्फ हमारा घर बचा हुआ है। हम लोगों ने जब कोई रास्ता नहीं देखा तो अपने घर को बचाने के लिए, अपने प्राण को भी दांव पर लगाने के लिए हम आज बैठे हुए हैं। अतः जिलाधिकारी महोदय से निवेदन है कि वो हमारी बातों को सुने और हमारी बातों पर विचार करें। हम लोग तब तक यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक हमें कोई रिजल्ट नहीं दिया जाता या फिर हमारी मांगों को सुना नहीं जाता। हमारा सिर्फ एक ही मांग है कि हमारा जो ये जहाँ पे हमने बचपन गुजारा है, 1100 जो हमारा मार्केट है, स्कूल यहाँ से सिर्फ 12 से 15 मीटर की दूरी पर रह गया हुआ है, तो हम जिलाधिकारी महोदय से यही निवेदन करना चाहते हैं कि वो हमारे स्कूल को, हमारे गांव को बचाएं और हम लोगों को बचाएं। हम लोग तब तक यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक वो हमारी मांगों को पूरा नहीं करते हैं और हमें इस आपदा से नहीं बचाते हैं। अतः जिलाधिकारी महोदय से निवेदन है कि वो यहाँ पर ठोकर बनाने की कार्य है जो तुरंत प्रारंभ करने की कृपा करें। आज ग्राम सभा मझारा तौकली 1100 रेती में हम लोग आमरण अनशन भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं। यहाँ लगातार हो रहे कटान को देखते हुए रोकथाम करने के लिए हम लोग यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। जब तक यहाँ पे बचाने के लिए कोई पुख्ता इंतजाम नहीं होता है, तब तक हम लोग अपना आमरण अनशन ख़त्म नहीं करेंगे। यहाँ पे विद्यालय 15 से 20 मीटर की दूरी पर है और घर भी 10 से 15 मीटर की दूरी पर हैं। तो दो विद्यालय हैं यहाँ पे, एक जूनियर एक प्राथमिक। तो इसको बचाने के लिए अगर ठोस कदम नहीं उठाती है तब तक हम लोग जो है आमरण अनशन में बैठे रहेंगे। आज हम लोग 1100 रेती में भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, जिसमें हम लोगों की मांग केवल यही है कि गांव बचाओ। गांव बचाने के लिए हम लोग गरीब बच्चे बैठे हुए हैं, जिसमें अगर जो सरकार की अगर कोई भी कार्य से गांव बचाने का काम करे और अगर सरकार इस पर भी नहीं सुनती है तो हम लोग मरने के लिए भी तैयार हैं। हम लोग हैं सर, मर जाना ठीक है लेकिन घर कटना ठीक नहीं है। श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के नाम हम लोग सुनते हैं कि बहुत ही दयालु हैं। आशा करते हैं कि हम लोगों को बातों को सुनकर, हम लोग की दुख और पीड़ा सुन करके अवश्य ही हम लोग की बातों पर ध्यान देंगे। धन्यवाद। फकरपुर से फैजान की रिपोर्ट, दैनिक भास्कर।